द नगरी न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है। अब तक हमने ऐसी विधानसभा सीटों की बात की जहां दोनों की प्रमुख पार्टियों में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है, लेकिन जयपुर शहर की एक ऐसी सीट भी है जहां बीजेपी का वर्चस्व होने के साथ ही कांग्रेस इस सीट को जीतने के लिए पुरजोर तैयारी कर रही है, और वो सीट है मालवीय नगर की सीट। कांग्रेस और बीजेपी ने मालवीय नगर सीट से अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। मालवीय नगर विधानसभा सीट को प्रदेश की महत्वपूर्ण और हॉट सीटों में शुमार किया जाता है। यहां जो जीता वो भी चर्चा में रहा और जो हारा वह भी चर्चा में बना रहा। इस सीट पर पिछले 15 सालों से बीजेपी लगातार जीत रही है। ऐसे में मालवीय नगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस इस बार हार का सिलसिला तोड़ना चाहती है। बीजेपी ने वसुंधरा राजे के बेहद करीबी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कालीचरण सराफ पर फिर से भरोसा जताया है। तो वहीं दो हार के बाद भी कांग्रेस ने अर्चना शर्मा को टिकट देकर सबको चौंका दिया है। हालांकि साल 2018 के चुनाव में अर्चना शर्मा को महज 1700 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। अब बात करते हैं मालवीय नगर विधानसभा सीट पर सियासी समीकरण की। आपको बता दें कि मालवीय नगर विधानसभा सीट में वोटरों की कुल संख्या 212,151 है। 2013 के चुनावों की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी से कालीचरण सराफ ने 89,974 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। वहीं उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी अर्चना शर्मा को 48,718 मतों के अंतर से हराया था। 41,256 वोटों के साथ कांग्रेस से डॉक्टर अर्चना शर्मा दूसरे स्थान पर रही थी। साल 2018 में कालीचरण सराफ को 70,221 वोट मिले और कांग्रेस की अर्चना शर्मा को 68,517 वोट मिले थे। पिछली बार इस सीट पर 1,704 वोट में हार जीत का फासला था। मालवीय नगर विधानसभा सीट पर कुल वोटर 215,000 हैं। इनमें से सबसे ज्यादा वोटर ब्राह्मण समाज के हैं, जिनका आंकड़ा लगभग 56,820 है। हम अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ करीब 48,000 वोटर्स ओबीसी कैटेगरी के हैं। साथ ही बता दें कि यहाँ मुस्लिम वर्ग से करीब 5,000 वोटर्स हैं। वहीं वैश्य समाज के लगभग 34,000 वोटर्स हैं। यहाँ अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से करीब 27,000 वोटर्स हैं। वहीं अनुसूचित जाति यानी एससी से लगभग 15,000 वोटर्स हैं। वहीं अदर्श से 20,000 वोटर्स हैं। द नगरी न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में बात करेंगे उन विधानसभा क्षेत्र की जिस पर दोनों ही प्रमुख पार्टियों की नजरें सबसे ज्यादा टिकी है। नमस्कार।